हेलो भाई, मैं पवार। अभी भाई मैं आ रखा हूँ नटराक्स। ये देखो भाई, कितने प्रीमियम नज़ारे के साथ प्रीमियम गाड़ी हमारे साथ आ चुकी है। डीजल में 4x4 हमने बहुत चलाई है भाई, बड़े मजे लिए हैं हमेशा ऑफ रोडिंग कर करके। चाहे एन हो, चाहे थार हो, चाहे फॉर्चुनर हो, बट दिस वन इज समथिंग डिफरेंट। ये देखो, दो दो हमारे पास कोडियक पे खड़ी हुई हैं, और दोनों की दोनों अपनी ये 4x4 है। तो हम इसमें आज एंटर करेंगे भाई, पेट्रोल में 2000 cc के इंजन के साथ। देखना गाड़ी प्रीमियम बना रखी है भाई, 48 lakh rupees के। आ जाओ भाई जी, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप कैसे? बस हम भी बढ़िया भाई। ऑफ रोडिंग करेंगे भाई आज, है? यस। बढ़िया ट्रैक बना रखे हैं। हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया भाई। सबसे हमारा तो फेवरेट पार्ट ही ऑफ रोडिंग का है, सो काफी मजा आएगा। चलो आज पेट्रोल गाड़ी की मैं फर्स्ट टाइम ऑफ रोडिंग जरा ट्राई मारूंगा। मतलब थार पेट्रोल, मतलब इतना डीजल वाले फैन जो होते हैं ना भाई, टॉर्क फेंक के देता है जो, उसमें ज्यादा स्वाद है जिंदगी में, तो और तो क्या ही बचता है। तो इसके आपने मतलब टायर प्रेशर कम कर रखा है क्या? हाँ जी, टायर प्रेशर कम करके रखा है जिससे अपना बढ़िया परफॉर्म करे, ग्रिप अच्छा मिले। सो बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट अ फ्यू थिंग्स। दिस इज नॉट अ स्पीड ट्रैक, सो वी विल बी गोइंग स्लो। वी विल बी गोइंग एट द मैक्स स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर ऑन दिस स्ट्रेच, एंड देन लेटर ऑन ड्यूरिंग द एक्टिविटीज विल बी going about 3 to 5 km/h only. We'll okay. be going very slow. There is one patch where you can go up to 25 km/h. अभी activate हुआ है, आप अभी off road mode में हो। 4x4 इसका हमेशा ही रहता है, 4x4 all wheel रहेगा भाई। ये प्रीमियम SUVs में अपना ऐसे 4x4 दे दिया कि अपना कभी ऐसे फंसा जाओ कहीं, आराम से निकल जाएगी कोई। पर वैसे इन गाड़ियों में जो इतनी प्रीमियम होती है ना, इनमें भाई आदमी का मन नहीं उठता कि वो ऑफ रोडिंग करे। मान लो कोई बहुत ही एक्सट्रीम उसमें ले गया, बम्पर वम्पर उखड़ के हाथ में आ जाएगा, क्या फ़ायदा? हार तूर का तो क्या ही है भाई, उनमें लोहा भर रखा है। बट ये प्रीमियम चीज़ बना रखी है, देखना हर चीज़ कितना स्मूथ, एकदम प्रीमियम इंटीरियर है हर चीज़। इनके साथ ऐसे करते हो अच्छे लगते हैं। हम जैसे पास में जाएंगे वैसे मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका जो स्टेयरिंग इनपुट है वो आपका बहुत स्मूथ रहना चाहिए, एंड प्लस या थ्रॉटल एप्लीकेशन शुड बी वेरी स्मूथ। वो लोग इतना स्टीप नहीं गए, बट हम लोग बहुत स्टीप जाएंगे वहाँ। हम जाएंगे बिल्कुल भाई, हम बहुत खतरनाक आदमी हैं। ये ऐसे चलो, अभी तो लिटिल लिटिल ही आ रहा है, एक्सट्रीम आएगा ना मतलब बढ़िया सा। भाई ये तो अच्छा दिख रहा है यार, यहाँ पे आके रुक रुका है। okay. तो हर बार हम जब भी रुकेंगे आपको पार्क में डालना पड़ेगा गाड़ी को। स्टॉप okay. पार्क में डाल दो गाड़ी। ओके, तो वो आपका स्पॉटर है, वो आपको डायरेक्शंस के साथ हेल्प करेगा, बट माय वर्ड विल बी फाइनल। तो अगर वो लेफ्ट बोल रहा है और मैं आपको बोल रहा हूँ सीधा जाओ, तो आपको सीधा जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो दिस इज द साइड इंक्लाइन, यू विल बी माउंटिंग द लेफ्ट टायर्स ओवर दोज ओवर दैट। आपको टायर मार्क्स दिख रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे यू विल माउंट द कार एंड वी विल बी गोइंग एट एन एंगल। ओके ओके, सो या व्हेनेवर यू आर रेडी, या keep the car to the right a little. Yes, straighten the wheel. Okay, just keep your hand in the 10-2 position. Yeah. slow. No, steer just when I tell you to turn, you turn only then. Okay, otherwise keep the steering straight and you go very slow down. Turn it to the right a little, slow to the right, more right, slow down, keep it straight. यार कितना मस्त था यार, यार एकदम जान अलग में आ जाती है भाई, वेरी नाइस यार। भाई का नाम क्या है? ध्रुव भाई, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। स्टॉप, सो दिस इज कॉल्ड द सॉसेज। यहाँ पे हम लोग को पावर यूज नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ टॉर्क और मोमेंटम को यूज करना है कार का। सो हम क्या करेंगे, एक बार आपने एक्सलरेशन चालू किया, सो स्टीयरिंग विल बी डेड सेंटर, नो स्टीयरिंग इनपुट एट ऑल। तो आपको आप जब ये थ्रॉटल पे पैर दोगे, तो वंस यू आर ऑन द थ्रॉटल, यू आर नॉट कमिंग ऑफ द थ्रॉटल अंटिल यू फील द नोज इज टिपिंग डाउन, ओनली देन यू विल लीव द थ्रॉटल एंड गो ऑन द ब्रेक। तो ये अगर मान लो रुक भी जाती तो ये तो फिर रेस देके वैसे ही निकल जाती। हाँ जी, निकल जाती, बट एक्सरसाइज वो नहीं है ना, द एक्सरसाइज। ओके ठीक है, अब समझ गया मैं, मतलब रूल्स आर रूल्स, करेक्ट। सो वी वांट यू टू हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस।
इसीलिए सो इफ यू डूइंग इट रॉन्ग इट डजंट मेक सेंस इसलिए आई टोल्ड यू टू रिवर्स एंड डू इट प्रॉपरली सो ये दो ऑप्शंस है आपके पास स्टॉप राइट हियर दिस इज द स्टीपेस्ट एंड दैट इज लाइक नॉर्मल ओवर देयर सो आपको जो करना स्टीप करेंगे ना ठीक है ये वाले करें हाँ जी सो आपको ऐसा पोजिशन करना है ऊपर जाने के लिए आपको स्टीयरिंग को हिलाना ही नहीं पड़े मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ करने के लिए क्योंकि आप अगर स्टीयरिंग टर्न करके एक्सलरेशन देते हो तो जो कॉन्टैक्ट पाथ है टायर का वो कम हो जाता है और व्हील स्पिन करके डिग करने लगता है सो यू डोंट वांट द टायर्स टू स्टार्ट डिगिंग सो इसीलिए व्हेन यू आर स्टीयरिंग स्ट्रेट व्हेन योर टायर्स आर स्ट्रेट यू गेट द मोस्ट अमाउंट ऑफ ग्रिप ओके सो इसीलिए कभी भी स्लोप पे जाते वक्त आपको सिर्फ स्ट्रेट रखना है स्टीयरिंग व्हील एंड जस्ट मॉड्यूलेट द एक्सेलरेटर चलो यस ये तो बड़ा इजी है यार ये तो जस्ट स्क्वीज दो एंड भाई गाड़ी अपने आप कर जाए काम दिस डेड सेट स्ट्रेट करना चालू कर दो स्ट्रेट इट स्ट्रेट में या गो स्ट्रेट नाउ टू द राइट हैंड साइड स्लोली कीप योर फुट ऑन द ब्रेक एंड नाउ कम टू द लेफ्ट कम टू लेफ्ट स्टॉप तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज है हिल डिसेंट को टेस्ट करना तो स्लोली स्लोली आपको नीचे जाना है एंड देन एट अ सर्टेन एंगल मैं आपको बोलूँगा ब्रेक छोड़ दो ब्रेक पे पैर रखो ही मत गाड़ी का हिल डिसेंट इट विल किक इन एंड डू एवरीथिंग फॉर यू तो ये हिल डिसेंट के लिए है हाँ जी ये अभी पीछे एक्टिवेट हो गया था हिल डिसेंट तो. करेक्ट हाँ तो चलो जी हाँ जी और स्टीयरिंग एकदम स्ट्रेट रखना है आपको नो टर्न्स एट ऑल ना कोई एक्सीलरेशन राइट यस स्लोली स्लोली स्लो 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 You can leave the brake. Yes, भाई. Hill descent control का काम देखो. ये अब दो ही accelerator. भाई आप लोग खुदा के बनाते हो ये बना के रखते हैं ट्रक्स वाले इनको नहीं कुछ कुछ चीजें हम लोग ने बनाई हैं बट बाकी जो चीजें हैं वो नेटवर्क्स के खुद के पास थे सो हम लोग क्या कर रहे हैं नेट्रैक्स का जो बाहर ट्रैक है हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं कुछ कुछ पार्ट्स में सो दिस इज़ द सर्विस रो दिस इज़ द बाहर ट्रैक एंड पहले वी वर यूजिंग द सर्विस रो कोई मड़बड़ वाला भी है क्या जिसमें कीच वीच हो कीचड़ वीचड़ नहीं कीचड़ वगैरह तो नहीं कर रहे यार वैसे ही है बस सूखी करेक्ट हाँ सूखी ऑफ रोडिंग है राइट एंड ऑन लेफ्ट दिस इज द ड्राइवर इंक्लाइन हमने जो स्टार्टिंग में किया था ऐसा वो यहाँ पे करेंगे बट वो जो ब्लैक में खड़ा लड़का वहाँ हम लोग वहाँ तक पूरा ऐसे इंक्लाइन करके जाएंगे फॉलो करने वो क्या बोलेगा अगर वो कुछ ऑपोजिट बोल रहा हूँ और मैं कुछ ऑपोजिट बोल रहा हूँ तो आपको मेरे इंस्ट्रक्शन सुनने अगेन जस्ट रिमाइंडिंग यू कीप इट स्ट्रेट और चढ़ा देता हूँ ना इधर राइट में नहीं नहीं इतना ही एक्चुअली इतना ही अलाउड है वो मतलब स्क्रेप होता है गाड़ी 200-300 रुपए के और डल लेंगे वो तो सेल्सरी का पार्ट है लेकर रखता हूँ मैं थोड़ा सा स्लो कीप द स्टीयरिंग स्ट्रेट स्ट्रेट या दिस वन मजा आया स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन टू योर लेफ्ट 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 यार डिफरेंशियल है क्या गट 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 करते हैं मजेदार चीज है तो राइट में रखो स्ट्रेट कर दो स्टीयरिंग यहाँ पे आपको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा स्लोली अरे जान है गाड़ी में भाई गाड़ी में जान बन रही है नाइस हो गया क्या अरे भाई डर तब लगता है जब खुद गड्ढे में हो पता है इंसान का मैं आपको एक जिंदगी में बता देना चाहता हूँ जिंदगी का एक बहुत अच्छा वो सबक जब आप गड्ढे में होंगे तब आप डरोगे जब आप ऊंचाई पे होगे तब नहीं अब आपको लग रहा था डर उस टाइम मैं गड्ढे में गया था इस बार आप गड्ढे में गए थे लग रहा था नहीं अरे आप तो प्रो आदमी हो भाई आपको क्यों लगेगा यू आर आल्सो ड्राइविंग प्रीटी वेल फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं अरे हम ये इनकी तो ऐसे तो बहुत चलाते हैं हम बलेनो वलेनो को चला देते हैं यार ऐसे रास्ते में आप
पता ही नहीं होगा क्या ये 15 की स्पीड पे कह रहे हैं, गांव में रोड ही नहीं होते, रोड ही ऐसे होते हैं भाई। फाइनली भाई अब हम थोड़ा सा स्पीड में चला सकते हैं, ये देख सकते हो आप ट्रैक कुछ इस तरीके का हमारे पास। अभी तो एकदम प्लेन है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे, तो यहाँ पे आराम से आप चलाओ 25-30 तक, बट 30 इज द लिमिट भाई। यस है ना, काफी फन हो रहा है अभी तक तो भाई, काफी अच्छा लग रहा है ऐसे कोडियक चलाने में। कोडियक में फील है भाई एकदम प्रीमियम सी गाड़ी लगती है, पलकार प्ले वार प्ले से लेके और पूरा देखना। सो वंस द कार गोज अप योर फ्रंट राइट इज इन द एयर एंड देन ऑटोमेटिकली इट विल टिप ओवर टू द राइट हैंड साइड एंड द रियर लेफ्ट विल कम अप। सो वंस द फ्रंट राइट इज लैंडेड यू कैन एक्सेलरेट एंड गो अहेड। इतना ही था कि आ लिया हम वापसी। हाँ अभी वहाँ पे एक लास्ट एक्टिविटी है ट्रेंच एंड अच्छा हो गया, इतना ही था। हाँ जी तो यहाँ पे पूरा बताता भी रहता है हमको कि भाई ये टायर 0 डिग्री कौन से मोड़ रखे हैं, क्या आपका एंगल चल रहा है, कितना एल्टीट्यूड है आपका, और ये चीज़ चलाता है अच्छा, ये सब हम चेंज भी कर सकते हैं आराम से। आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है एक उसमें भी आ जाती है। लेट्स गो, अब हमारा फाइनल पैच आ रहा है भाई एकदम फाइनल। चलो भाई इसमें भी काफ़ी फन हो गया हमारा, ठीक है चलो अच्छा लगा कोड़ी के साथ है ना भाई। देखना भाइयों ने कितनी मेहनत करी हमारे लिए, देखना पूरा फावड़े लेके गड्ढे खोदे। चलो भाई काफ़ी अच्छा लगा भाई ऑफ रोडिंग करके, वैसे हल्की पतली करवाई ऐसे कुछ बहुत एक्सट्रीम उस पर नहीं गए हम, बट ठीक है भाई जितना हुआ सही है, इसी में ही 5-10 की स्पीड पे कहने को मतलब कहने लगे थे, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। गाड़ी बहुत कैपेबल है भाई, इतने में पता चल जाता है ये बढ़िया वो कर सकते हैं परफॉर्म, अगर कहीं गड्ढे वड्ढे में फंस गई तो हिल डिसेंट हो या हर तरीके से मतलब बढ़िया सी लगी मेरे को। बाकी कभी अपने हाथ में जब ढंग से आएगी बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के अपने मन मर्जी के मुताबिक तब देखेंगे भाई कितनी कैपेबल है, कितनी ओट पाएगी हमारी टॉर्चर। स्वीडन का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धूल मिट्टी में तो खैर कर ही लाए हम इसको, बाय।